बैंगन का भरता बना लेने के 8 कटी मिर्च, 15 कली लहसुन कटा हुआ, एक बड़ी गांठ घिसी हुई अदरक, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हींग, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कटा हुआ लाल टमाटर, 2 प्याज कटी हुई बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बॉयल की हुई मटर जो आप इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। बैंगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बड़े गोल बैंगन को लीजिए और उसमें कट लगा लीजिए। कट चारों ओर से लगाइए, इससे आप इसमें कोई कीड़े तो नहीं हैं ये देख पाएंगे और ये अंदर तक आसानी से भुन जाएगा। इस तरह से अब गैस चलाइए और बैगन जो कटा है उस तरफ से नीचे रखिए और डंठल ऊपर कर दीजिए ताकि आँच उसके अंदर तक जाए और वो अच्छे से भून पाए। बैगन को घुमा घुमा कर आग पर अच्छे से भून लें। तब तक हम बैगन के भरता बनाने के लिए मसाला तैयार करते हैं। गैस जलाकर कढ़ाई गरम करते हैं। इसमें 100 ग्राम सरसों का तेल डालते हैं। इधर बैगन को बीच से आप कोई चाकू या चम्मच की सहायता से खोल दें जिससे कि वो अंदर तक भुन पाए और उसका पानी सूख जाए। बैगन के भरते में पानी का यूज़ नहीं होता है तो इसका पानी भी सुखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब गरम तेल में 1 चम्मच हींग डालें, कटा हुआ बारीक लहसुन डालें, अदरक, और इसको अच्छे से गरम तेल में मिलाएं। इसको हम तेल में इसलिए पहले डालेंगे क्योंकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए और ये कच्चा ना रह जाए। अब इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा मौलाना है गुलाबी कलर की प्याज हो जाने पर। प्याज को लगातार चलाते रहें। अब इसमें हरी कटी हुई मिर्च डालें। इधर बैगन पे भी ध्यान दें कि वो ज़्यादा कहीं से जल ना जाए और बराबर का पूरा बैगन अच्छे से भुन पाए। प्याज जब थोड़ी गुलाबी हो जाए तो अब आप इसमें बारीक कटे हुए टमाटर मिला दें। टमाटर और बाकी सब मसाले को मिलाकर अच्छे से इसे धीमी आंच करके पकने के लिए 1 चम्मच नमक डालें और इसको भी अच्छे से मिला दें और 5 मिनट के लिए ढक दें। अब इधर आपका बैगन भुनकर तैयार है। गैस बंद करके इसको प्लेट में कर लें और चाकू की मदद से इसका डंठल बैगन से अलग कर दें। बैगन को भूनने के बाद ही डंठल अलग करें क्योंकि इससे पकड़ने में मदद होती है। इसके हर पीस को खोल दें ताकि यह ठंडा हो जाए। और चाकू और मदद की सहायता से भुने हुए बैगन के छिलके को हटा दें और गूदे को अलग कर लें। इस तरह से पूरे बैगन को निकाल लें और छिलके को अलग करते जाएं।
मिनट बाद कढ़ाई खोल कर देखिए, ढक्कन हटा कर देखिए, मसाला गल गया है। और इसे चलाएं। अब आप इसमें यही बैंगन के गूदे को, भुने हुए बैंगन को इसी में मिला दें। और इसे कंचली से अच्छे से मिक्स करें। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी मिला सकते हैं। और इसको 5 मिनट के लिए फिर ढक दें। 5 मिनट बाद देखेंगे कि ये पूरी तरह से अच्छे से गल चुका है। अब इसको तेज़ आंच करके इसमें और मटर डालें। मटर आपकी इच्छा अनुसार है, अगर आप मटर खाना चाहते हैं तो इसमें डालें। और इसको 2 मिनट के लिए ढक दें। 2 मिनट बाद तेज़ आंच करके इसको अच्छे से भूने। इसको तेल छूटने तक अच्छे से भूनना है। और जब आपका ये भुन जाएगा बैंगन का भरता, तो इसमें एक अच्छा रेड कलर आ जाएगा। अब इस पे हरा धनिया डालें और इसको अच्छे से मिक्स करें। अब आपका बैंगन का भरता सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको आप अपने डिश में सर्व करें गर्मा गर्म, और हरी धनिया से गार्निश करें। और यदि आपको ये मेरी डिश अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करें। थैंक यू, और अपना ख्याल रखें।